बन गया है सिनेमा अब, क्योंकि एक साथ 8 मूवीज इन मेकिंग है। नागपुर में शूट हो रही है इन 8 मूवीज का, और इसमें से एक ऐसी मूवी है जो कि रिलीज के लिए ऑल सेट है। इस मूवी का नाम है माइक, एंड बड़ी बात यह है कि इस वक्त इस मूवी के डायरेक्टर जो है वो मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। पीयूष यार, मुझे बताओ क्या है आपकी मूवी एग्जैक्टली, और कब रिलीज कर रहे हो उस मूवी को आप? देखिए, ये पोस्ट अगस्त रिलीज होगी एंड हम लोग बजरंगी भाईजान के लिए रुके हुए, उसके बाद ही रिलीज करेंगे। सलमान की मूवी के साथ हम नहीं करना चाहते रिलीज। ओके, चलिए आपने रिलीज डेट तो बता दी। पीयूष, इस मूवी के बारे में बताइए, माइक, व्हाट इज माइक ऑल अबाउट, और इसका नागपुर कनेक्शन क्या है? देखिए, सबसे पहले मूवी जो है ये पूरे नागपुर के लोगों ने बनाई है, और इसकी जितनी भी स्टार कास्ट है पूरे नागपुर की है। कास्टिंग क्रू पूरा नागपुर का है, इसकी एडिटिंग पूरी नागपुर में हुई है, पोस्ट प्रोडक्शन पूरा नागपुर में हुआ है, म्यूजिक नागपुर में हुआ है। यूजन से इसका नागपुरियन फिल्म, बट फिल्म ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, पैन इंडिया रिलीज फिल्म है। एक मोटरसाइकिल जर्नी के ऊपर बनी है, और वो भी मनाली से लद्दाख तक के। क्या बात है, आपने फिल्म की जर्नी के बारे में बता दिया, लेकिन फिल्म की शूटिंग की जर्नी जो नागपुर में हुई है उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, नागपुर में शूट करना बहुत फन है, क्योंकि यहाँ पे इट्स वेरी इजी टू शूट एंड इट्स नॉट वेरी फॉर्मली। यहाँ पे हम लोग आउटडोर शूट जब किए थे तो काफी इजी था शूट करना। यहाँ पे जाकर हमको परमिशन के लिए हमको ज्यादा दिक्कतें नहीं पड़ी। उसके बाद में यहाँ पे इंडोर लोकेशन भी काफी अच्छे हैं, यहाँ पे नए स्टूडियोज खुले। एग्जैक्टली, नए स्टूडियो खुले, और इन सारी खूबियों के चलते बहुत सारे डायरेक्टर्स आर लाइक टू स्विंग इन नागपुर। ये मस्त वाला गाना।